कैसे मुआवजा हुआ अचानक से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस ये गाड़ी के शीशे में से देखते थे, पिछली सीट पे मैं बैठती थी। माशाल्लाह इतने शरीफ सीधे साधे भोले भाले लगते हो, तो ए की कर छड़िया जे? मारा बस में काम नहीं था। बस इन्होंने चंद चढ़ा दिया। बिल आखिर कैरी डब्बा चलाने का आपको फल मिल गया? हाँ जी। मुझे यकीन है कि अल्लाह हमारा साथ देंगे, लेकिन हम लोगों का कुछ नहीं कर सकते। हमें इंटरव्यू देना इतना महंगा पड़ गया। नमस्कार। मानव समाज में एक दूसरे के प्रति हृदय की अनंत गहराइयों से प्रेम रखने वाले नर और नारी का प्रेमी युगल जब प्रेम के इस अनंत अलौकिक सागर में डूबकर समस्त बंधनों से अपने आप को मुक्त पाता है, तो जैसे उनकी आयु का अंतर कोई भी महत्व नहीं रखता है, वैसे ही हृदय में उठते प्रेम रूपी दिव्य ईश्वरीय आशीर्वाद के आनंद में डूबे प्रेमी युगल के लिए वासना का अस्तित्व भी लोप होकर इस प्रकृति में शिव और शक्ति के वासना रहित अलौकिक संगम का भान करवाता है। दूसरी ओर देखें तो मात्र वासना से ही वशीभूत होकर लाठी प्रक्षालन को ही प्रेम समझने वाले बेमेल आयु के नर और नारी पशुतुल्य अनियंत्रित वासना में लिप्त होने पर भी मात्र लाठी प्रक्षालन का ही चस्का लेते हैं, ना कि उनका उद्देश्य प्रजनन का होता है। परंतु नीच मूर्ति महाजाहिल लुच्चुद्दीन 786 मस्तखर रहमत उल्लू वाले के अनुयायी और सृष्टि के सबसे निकृष्ट जीवों के रूप में स्थापित मस्तखर वंशी जानवरों के झुंडों से भरे रेवड़ राष्ट्र में अलग ही बसड़ चलती है। मस्तखर के इन चीरायुक्त लाठियों, फटी दुग्गियों और फूटी गुल्लकों वाले मस्तखरवंशी जानवरों में निरंतर और निर्विघ्न लाठियां धोने के पीछे मात्र वही दो नियम काम करते हैं जिनमें मस्तखर का स्पष्ट आदेश है कि प्रथम तो हर मस्तखरवंशी का प्रयास रहे कि अधिक से अधिक आयु की अनुभवी और परिपक्व लाठी का प्रक्षालन अपरिपक्व से अपरिपक्व न्यूनतम आयु की दुग्गी में किया जाए, तथा दूसरा ये कि संबंधित बाप बेटी, माँ बेटे अथवा भाई बहन के मस्तखरवंशी जानवरों का जोड़ा खुदाई के समय यह सुनिश्चित करे कि लठरस का कम से कम 72.786% भाग दुग्गी सुरंग के अंतिम छोर तक पहुंचे, ताकि उचित समय पर दुग्गी अधिकाधिक पिलूरे और पिलूरियां उगल सके। अब 1400 वर्षों से इसी मस्तखरवादी खुदाई आंदोलन में लीन मस्तखरवंश से भरे रेवड़ राष्ट्र में कुछ जानवर इस मस्तखर छाप खुदाई को मनुष्यों की देखा देखी प्रेम का नाम देकर खुश होते हैं। परंतु टीम फुद्दुद्दीन के तैमूर माकायार की इस रिपोर्ट में हम पहले बेमेल खुदाई को प्रेम की संज्ञा देकर आसमानी दल्ले के नाम पर चल रहे खुदाई आंदोलन को जोर शोर से आगे बढ़ाते मस्तखरवंशी जानवरों के जोड़े को आसमानी दल्ले का धन्यवाद करते तथा लाठी और दुग्गी के संपर्क में आने संबंधी उनकी रोचक और मनोरंजक बातें सुनेंगे। परंतु तैमूर माकायार की इसी रिपोर्ट में दूसरे भाग में हम देखेंगे कि मस्तखरवादी बेमेल खुदाई के फलस्वरूप यही बेमेल मस्तखरवंशी जानवरों का जोड़ा अपनी जिंदगी वास्तविकता में ठीक वैसे ही घसीट रहा है जैसे पिछवाड़े पर लठ मारकर पिछवाड़ा तोड़ दिए जाने के बाद एक आवारा श्वान अपना पिछवाड़ा घसीटता हुआ चलता है। ये जो हमारे चाचा जी हैं, इन्होंने 27 साल की एक खूबसूरत लड़की से शादी की। ये बड़ी इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये कैरी डब्बा चलाते थे, जबकि जो हमारी बहन है या जो हमारी भाभी हैं वो स्कूल में पढ़ाया करती थी। ये उनको छोड़ने जाते थे, इसी छोड़ने के चक्कर में एक दिन ये इनको अपनी वाइफ बना के अपने घर में ले आए। अब ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कितनी एज है आपकी? मेरी 65 के करीब है। आपकी क्या एज है? मेरी 27 साल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शगुफ्ता है। ये कैसे मुआवजा हुआ अचानक से? बस हो गया। बस इनको मुझसे इश्क हुआ और मुझे इनसे हुआ और शादी हो गई। परंतु शक्लो माशाल्लाह इतने शरीफ सीधे साधे भोले भाले लगते हो, तो यह की कर छड़िया जे? बस जी सर जी, जो हमारे बस में काम नहीं था। हमें भी नहीं समझ लगी ये क्या हो गया। ये अल्लाह पाक का काम है, अच्छा करो और अच्छे चलोगे तो हमेशा अच्छा ही रहेगा। आपको बिलाखिर बस इन्होंने चंद चढ़ा दिया। बिलाखिर कैरी डब्बा चलाने का आपको फल मिल गया। हाँ जी, बहुत अच्छा सिला और अच्छा सोच ही अच्छी थी। ये नहीं थी सोच के, आपकी सोच बहुत अच्छी थी कि आप इन्हें छोड़ने जाते हैं, एक दिन आप इनको छोड़ते छोड़ते अपने घर में छोड़ जाएंगे। जी, तो ये गलत सोच नहीं थी, जो आजकल होते हैं ना वो नहीं करनी चाहिए। कोई भी है ना, देखो अल्लाह पाक ने जो शादी
करनी है, जिसके साथ होनी है, वो अल्लाह पाक ने पहले तय किया हुआ। मगर अच्छे चलो, जिसकी हो भी जाए वो भी अच्छे चलो। हाँ। ये तो नहीं बोला कि इश्क भी लड़ा लो। आजकल तो वो आपको पता है दो तीन दिन साथ गुजारते हैं फिर छोड़ जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह आपने साबित कर दिया कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत सच्ची है। बहुत इतनी सबसे पहले आपने प्रपोज किया था इनको या इन्होंने? मैंने किया था, लगता नहीं है वैसे मुझे किया था। और जब इन्होंने आपको प्रपोज किया था उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? आपको गुस्सा आया था या फिर आपको भी इन पे प्यार आया था? नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, मैं हंस पड़ी। वो कहते हैं ना, हंस गया तो बंदा फंस गया, बस वो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा चलें जी ठीक है, शादी करनी है इनसे ही सही। तो इन्होंने फुल फिल्मी अंदाज में आपको प्रपोज किया था, इन्होंने आंखों में आंखें डाली थी, आपके सामने ऐसे घुटने टेक के आपको फ्लावर पकड़ाया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस ये गाड़ी के शीशे में से देखते थे, पिछली सीट पे मैं बैठती थी और वहाँ से चेक करें फ़ोन किसका आया, कहीं किसी और का तो नहीं आ गया? नहीं, ये सवारी का आया होगा। अब ये कोई और भी सवारियाँ बिठाते हैं? नहीं, जब कोई मिल जाए ना तो वो सवारी लाहौर की कहीं की भी हो, फिर वो लेके चले जाते हैं। को उम्मीद थी कि जो आप प्रपोज कर रहे हैं एक्सेप्ट हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल जी, अल्लाह पे भरोसा था इंशाल्लाह, क्योंकि सच्चे दिल से किया था। बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने पूरे तरीके के साथ गए होंगे ना? जो काम करो अच्छा करो वो इंशाल्लाह पूरा हो जाता है। ये ना सोचो कि मैं चार दिन के लिए किया गलत किया। जो काम करो अच्छा करो पूरा हो जाता है। ये भी मैं बताऊँ कि दे लो, मैं पहले ठीक था, जब मेरे से हादसा हो गया तो मैं मुश्किल में था, तो मेरा साथ इन्होंने दिया, अभी तक साथ नहीं छोड़ा। ये हमारे मोहब्बत का भी सबूत है कि हमने छोड़ा नहीं है एक दूसरे को। जब आपका रिश्ता हो गया उसके बाद फिर शरीकों ने ताने भी मारे होंगे? वो रिश्ता होने ही नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे कि इतना बुढ़ा है, हमने नहीं अपनी बेटी की शादी करनी। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हमारे गाँव का सिट्टा तोड़ के लेके जा रहे। आप फिर डट गई, आपने कहा कि नहीं ये मुठियार अब यही रांझा लेके आएगी। हाँ बस यही, ऐसे ही था। फिर मैंने कहा नहीं भी, शादी होगी तो यही होगी बस, फिर वो कर दी, शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जब से शादी हुई चार बच्चे हैं। हमारी भाभी हैं वो क्या क्या मेहनत कर रही हैं या फिर क्या क्या काम कर रही हैं, ये आप इन्हीं की जबानी सुने। जी मैं स्कूल टीचर भी हूँ, ऑनलाइन कुरान टीचर भी हूँ, क्योंकि मैं हाफ़िज़े कुरान हूँ, बच्चे पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। पहले स्कूल पढ़ा के आती हूँ, फिर घर में बच्चों को पढ़ाती हूँ, साथ साथ मैंने ना 100 मुर्गी भी छत पे रखी हुई है। हाँ, तो वो मैं मुर्गियाँ भी संभालती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, इनको भी संभालती हूँ, लोगों के कपड़े भी सिलाई करती हूँ। इतना कुछ करती हैं, लेकिन ये जब हमारे अंकल को हंसता हुआ देखती हैं तो फिर ये अपनी थकावट भूल जाती हैं। इंटरव्यू देके क्या हमें नहीं करना चाहिए था? मेरे हस्बैंड का मसला है, आपको बताया था कि ये मजदूर हैं, काम नहीं कर सकते, तो क्या एक औरत अपने बच्चों को छोड़ दे? क्या उसे जीने का कोई हक नहीं? क्या मेरे बच्चों की कोई खुशियां नहीं? क्या इनकी जरूरतें नहीं? इनको खाने को नहीं चाहिए? इनको पहनने को नहीं चाहिए? हमें सपोर्ट करने के बजाय लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, हमारा चैनल ग्रो होगा, लोग हमें हमारा साथ देंगे, हमसे हमें इनकम आएगी, अपने शोहर का इलाज करवा सकूंगी, अपने बच्चों की परवरिश कर सकूंगी अच्छे से, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। लेकिन ये दुनिया जीने नहीं देती। हम करने की कोशिश करते हैं तो ये इसमें तौबा से मजाक ही समझता है इसको। ठीक है, जब भी आप ये नेकी का काम को मजाक समझते हैं या कोई कहता है तो वो खुद ही बताते पाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप अगर ये लोग मजाक उड़ाते हैं, ये करते हैं, ये क्यों ऐसे करते हैं, तो हमारा कोई जोर नहीं है। ये एक इंसानियत होती है और मुसलमानी का ये तरीका होता है। ये क्या हमने ये गलत किया है या कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं या करवा रहे हैं हम किसी से, या हमारी ज़बरदस्ती है? बस हंसते हैं मजाक करते हैं। मैं कहता हूँ ये हंसते मजाक करने वाले जो लोग हैं ना,
ये इन्होंने लगता है कि आने वाले वक्त के लिए इन्होंने जायदाद खरीदी हुई है। हमें उम्मीद थी कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे। आप हमें कमेंट में बताएं करना, लोग भी सपोर्ट करेंगे और अल्लाह ताला भी हमें देंगे। मुझे यकीन है कि अल्लाह हमारा साथ देंगे, लेकिन हम लोगों का कुछ नहीं कर सकते। मस्त करवादी खुदाई आंदोलन के फलस्वरूप मस्त करवंशी जानवरों द्वारा की जाने वाली इस तरह की बेमेल खुदाई के कारण मस्त करवंशी जानवरों में आ रहे आनुवांशिक बदलावों के साथ मस्त करवंश के आने वाले भविष्य के विषय की कल्पना करते हुए आप भी अपने विचार संदेश पेटी में अवश्य प्रेषित करें। साथ ही सक्षम सदस्य अपने इस चैनल को हर प्रकार से सहयोग करके आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मस्त करवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक और टॉपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।